हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार और आप देख रहे हैं वाईफाई दोस्त चैनल। जी हां दोस्तों, और यहां पे न्यूज आ रहा है गाइज की ओप्पो रेनो 3 की तस्वीर लीक, जल्द हो सकता है लॉन्च। जी हां दोस्तों, मैं भी आपको बताऊंगा ओप्पो रेनो 3 प्रो के बारे में पूरा रियल स्पेसिफिकेशन। तो आप इस स्पेसिफिकेशन को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन दबा लें। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का यूजर आईडी आपको दिख रहा होगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओप्पो अपने फ्लेक्सी रेनो 3 प्रो को भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने रेनो 3 सीरीज को पिछले साल के अंत में चीन में लॉन्च किया था और अब तक इसका भारत में इंतजार किया जा रहा है। कुछ लीक्स का इशारा किया जा रहा है कि सीरीज का प्रो वेरिएंट फरवरी 2020 के तीसरे हफ्ते में लॉन्च किया जाना है। अब लॉन्च से पहले इस हफ्ते की शुरुआत में ओप्पो रेनो 3 प्रो की तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में ओप्पो रेनो 3 को नीले रंग में दिखाया गया है। इसी रंग के साथ यह फ़ोन चीन में भी लॉन्च हो चुका है। एक टिपचस्ट के ट्वीट के जरिए इस तस्वीर को साझा किया गया कि लीक में यह फ़ोन भी किया गया है कि रेनो 3 प्रो का ग्लोबल वर्जन पाने वाला भारत का पहला देश होगा। लीक की गई इस तस्वीर में फ़ोन के बैक में ग्लास पैनल के साथ ग्रेडिएंट फिनिशिंग देखने को मिलती है। ओप्पो रेनो 3 प्रो की साइड घुमावदार है, जिसकी वजह से यह फ़ोन पकड़ने में आसान हो सकता है। तस्वीर में देखने से साफ हो सकता है कि कैमरा मॉड्यूल ऊपर बाईं तरफ दिया गया है। इसके अलावा इस लीक में फ़ोन की अधिक जानकारी नहीं दी गई है। इससे पहले सामने आई लीक में इस फ़ोन में डुअल होल पंच डिस्प्ले होने का दावा किया गया था। इसी लीक में फ़ोन में 44 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होने का भी दावा किया गया। बता दें कि ओप्पो रेनो 3 प्रो को चीन में सिंगल होल पंच डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया गया है। ओप्पो रेनो 3 प्रो के ग्लोबल वेरिएंट में चीन के मुकाबले कितना अंतर होगा, इसके बारे में फिलहाल किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। हालांकि यदि चीन के वेरिएंट की बात करें तो यह फ़ोन चीन में स्नैपड्रैगन 765G चिपसेट के साथ आता है। भारत में यह फ़ोन किस प्रोसेसर के साथ लॉन्च होगा और इसमें चीनी वेरिएंट के मुकाबले कितना अंतर होगा, इसके लिए भी हमें कुछ अन्य लीक या आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। अब मैं बात करता हूँ गाइस यहाँ पे स्पेसिफिकेशन की। ओप्पो रेनो 3 प्रो 5G डिस्प्ले आपको मिल जाएगा, 6.50 इंच का प्रोसेसर, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर, फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल, रियर कैमरा 48 मेगापिक्सल प्लस, 13 मेगापिक्सल प्लस, 8 मेगापिक्सल प्लस, 2 मेगापिक्सल, रैम 8GB स्टोरेज, 128GB बैटरी क्षमता, 4,2500 mAh OS एंड्रॉयड रिजर्वेशन 1080। तो यह थी दोस्तों ओप्पो रेनो 3 प्रो के बारे में कुछ जानकारी। तो यह जब लॉन्च होगा, इसका कोई विशेष जानकारी आएगा तो मैं अपने चैनल पर लेकर आऊँगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे गाइज, और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन दबा ले। और आप इस वीडियो को लाइक करें जरूर, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अच्छे वीडियो पर। जय हिंद, वंदे मातरम।